पांच हीरो ने जीत दिलाई, दो जीरो ने चिंता बढ़ाई। जी हां, भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में जीत मिल गई है। ये जीत काफी कन्विंसिंग है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने भी जचकर रन बनाए, लेकिन 2-0 ने टीम इंडिया की चिंता बढ़ाई है। कौन है वो जीरो और कौन है हीरो, वो सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैच का हाल बता देते हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम का दबदबा पहली ही गेंद से देखने को मिला। टीम इंडिया ने आयरलैंड की पूरी टीम को 96 रनों पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने शानदार प्रदर्शन किया। आयरलैंड के गेंदबाजों ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों से सवाल तो पूछे, लेकिन रोहित और ऋषभ पंत के पास हर उस सवाल के जवाब थे जो उनसे पूछे गए। हालांकि आयरलैंड की फील्डिंग बेहद खराब थी और अगर बात की जाए तो उनकी गेंदबाजी में भी वो वाला दम नजर नहीं आया जो एक वर्ल्ड कप की टीम में नजर आता है। लेकिन कुछ भी हो, टीम इंडिया ने 2024 T20 वर्ल्ड कप अभियान का अपना पहला मुकाबला जीत लिया है और इस जीत के साथ ही अब भारतीय टीम को अगला मुकाबला खेलना है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की बात तो और कभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस मुकाबले के चार हीरो से मिलवाते हैं। इस मुकाबले के सबसे पहले और सबसे बड़े हीरो हैं हार्दिक पांड्या। वो हार्दिक पांड्या जो लंबे समय से फॉर्म में नहीं चल रहे थे, फॉर्म से कोसों दूर थे, लेकिन वर्ल्ड कप आया, नीली जर्सी बदल गई और हार्दिक पांड्या भी फॉर्म में आ गए। शानदार गेंदबाजी उन्होंने की और पिच जिससे मदद आज तेज गेंदबाजों को मिल रही थी, उस पिच पर उन्होंने उस मदद का पूरा फायदा उठाया और एक के बाद एक तीन विकेट झटके। हार्दिक पांड्या की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा दूसरे हीरो की बात करें तो टीम इंडिया के दूसरे सबसे बड़े हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा। कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ ओपन किया। विराट कोहली तो जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने आयरलैंड के गेंदबाजों की अच्छी गेंदों का सम्मान किया और खराब गेंदों को बाउंड्री पार पहुंचाया। रोहित शर्मा ने नाबाद 52 रन की पारी खेली, हालांकि चोट लगने की वजह से वो मैदान से बाहर चले गए। न्यूयॉर्क की पिच में असमतल उछाल होने की वजह से रोहित शर्मा चोट का शिकार बने। रोहित शर्मा की चोट गंभीर ना हो इसकी उम्मीद ही हम सब कर रहे हैं, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या इस पिच पर कोई सवाल उठाता है और ICC इस पिच को कितने पॉइंट देती है। इसके अलावा इस मुकाबले में तीसरे सबसे बड़े हीरो की बात करें तो वो थे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर गेंदबाजी की और उन्होंने झटके 2 विकेट। इसके अलावा अगर एक और हीरो की बात करें तो वो थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत रोहित शर्मा के साथ आए और लगातार शानदार शॉट्स लगाते रहे और एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ नाम मात्र वापसी नहीं बल्कि दमदार वापसी कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस मुकाबले के 2-0 की। पहले सबसे बड़े जीरो रहे विराट कोहली। विराट कोहली ने 5 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। सामने आयरलैंड के कमजोर गेंदबाज थे, लेकिन विराट कोहली इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और इस मुकाबले में रन नहीं बना पाए। विराट कोहली पर यह बात ध्यान देना जरूरी है कि उनका आगमन जो है वो वार्म अप मुकाबले से एक दिन पहले यानी कि 31 मई को हुआ था और वो बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मुकाबला भी नहीं खेले थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रैक्टिस सेशंस में ही हिस्सा लिया। माने या ना माने इसका फर्क पड़ता है, एक दूसरे देश से जहां का टाइम जोन बहुत ज्यादा अलग है वहां पर पहुंचना, अपने जेट लैग को तरीके से दूर ना करने का खामियाजा कहीं ना कहीं आज विराट कोहली को उठाना पड़ा। इसके अलावा अगर दूसरे जीरो की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह साबित हुए। जहां पर भारतीय टीम के सभी गेंदबाज किफायती साबित हो रहे थे, वहां पर अर्शदीप ने 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए 35 रन दिए। आप सोच रहे होंगे कि 35 रन देना तो एक अच्छी बात है और अर्शदीप ने अपने पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो काफी कम रन दिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पिच पर इतने भी रन नहीं थे जितने अर्शदीप ने दे दिए।
अर्शदीप को दो सफलता जरूर मिली, लेकिन आज के हमारे एनालिसिस में अर्शदीप टीम इंडिया के जीरो साबित हुए हैं। टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ जीत मिल गई और अब अगला मुकाबला भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है और वहां पर किसी भी खिलाड़ी के जीरो होने की, भारतीय खिलाड़ियों के जीरो होने की स्कोप जो है वो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया के खिलाड़ी इस मुकाबले से सबक जरूर लेंगे और अपना दमदार प्रदर्शन जिन्होंने अच्छा किया वो जारी रखेंगे और जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया वो अपने प्रदर्शन को जरूर सुधारेंगे।